आज हम बना रहे हैं मट्ठी। मट्ठी बनाने के लिए ये हमने 1.5 किलो फूल मैदा लिया है और ये अजवाइन है और ये 2 चम्मच नमक है और ये कसूरी मेथी और ये रिफाइंड, ये 1 कटोरी पानी। आइए बनाते हैं। हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, अब ये डाल रहे हैं अजवाइन, थोड़ी सी से मत के डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड। हम तो ये रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जब तक के ये अच्छे से मिक्स ना होए, फिर उसके बाद इसमें हमें पानी डालना है। जितना ज़्यादा इसे अच्छे से ऐसे मथोगे, ऐसे इसे करना है। और देखिए, जब ये अच्छे से मथा जाएगा तो इसके ऐसे लड्डू बन जाएंगे। अभी मैंने बहुत अच्छे से मथ लिया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और मथेंगे। देखिए गाइस, हमने 1 कटोरी पानी लिया था, अब हम इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब ये थोड़ा सा पानी इतना सा बच चुका है और आप इसे अच्छे से मथें। देखिए गाइस, जब मैंने इसे अच्छे से मथ लिया है, जैसे समोसों का आटा बनाते हैं, इसे इतना टाइट बनाना है। देखिए गाइस, जब ये हमने आटा हमारा ऐसा हो चुका है, ये हमें टाइट ही रखना है जैसे हो जाए। और ये कसूरी मेथी है इसके अंदर, ये बहुत अच्छी डाइजेस्ट अच्छा करते हैं डाइजेशन। कसूरी मेथी जो डालते हैं, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कसूरी मेथी है, इसमें मैं काली मिर्च भी लगाऊंगी, दिखाऊंगी जब मैं मट्ठी बनाऊंगी। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। देखिए गाइस, जब हमने इसे आधा घंटा रख चुके हैं, और देखिए अब हमारा मैदा ऐसा हो चुका है हमारा ये। अब हम इसकी ऐसे 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 करेंगे और हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। देखिए गाइस, जब हम इसे ऐसे कर रहे हैं, इसके रोल बना रहे हैं। रोल बनाने के बाद देखिए गाइस, जब हम इसके ऐसे रोल बना लेंगे और ऐसे रोल बनाने के बाद हम अब इसे ऐसे रखेंगे और इसे ऐसे करके ऐसे कट करेंगे। ये हमारी छोटी छोटी लोई बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए गाइस, हमारी ये लोई बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये जब हमने ये ऐसे लोई बनाई है और हम इसे ऐसे करेंगे, ऐसे दबाएंगे और इसमें एक काली मिर्च रखेंगे और हम इसे ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे रखते रहेंगे। देखिए गाइस, जब हम इसे ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे और ये हमारी मट्ठी ऐसे ऐसे बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही सारी मट्ठियाँ हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए गाइस, देखिए गाइज, अब हमने इसे ऐसे कट करी थी और हमने ऐसे ली और इसे ऐसे गोल करते जा रहे हैं और फिर हमने इसे ऐसे ऐसे गोल करके रख ली है। ये हमने कुछ अपनी मठिया बना ली और हम कुछ ये रोल बना रहे हैं। देखिए गाइज, अब हम ये एक उठाएंगे, ऐसे रखेंगे और इसे ऐसे ऐसे करके ऐसे दबाते जाएंगे। ये देखिए गाइज, फिर हम ये काली मिर्च लेंगे, इसे ऐसे रखेंगे। सारी मठियाँ हम ऐसे ही बनाते जाएंगे और काली मिर्च और मेथी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है।
देखिए गाइज, अब हमारी सारी मठियाँ आई हैं, बनकर तैयार हो चुकी हैं। आइए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। अब देखिए गाइज, हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। देखिए गाइज, अब इसमें हल्के हल्के से बुलबुले हो गए हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इन्हें ऐसे करके सारियों को डाल देते हैं। हमें आंच हल्की ही रखनी है, नहीं तो मठियाँ हमारी जल जाएंगी। देखिए गाइस, जब हमने इन्हें सारी इतने डाल दिए हैं और हम बाद में डालेंगे, और जब ये हमारी मठी थोड़ी हो जाएंगी, फूलने लगेंगी, तो ये ऊपर आ जाएंगी। और हमें आंच हल्की ही रखनी है। देखिए गाइस, जब हम इन्हें ये फूल कर ऊपर आ गई हैं, और अब हम इन्हें ऐसे पलट देते हैं। जब गाइस ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, तो ये इसके जो बुलबुले हैं, ये अब खुद से खुद ही कम हो जाएंगे। इसकी ये पहचान है। देखिए गाइस, हमारी ये मट्ठी फ्राई हो चुकी हैं, और ये जो बुलबुले थे, ये आने बंद हो चुके हैं। और जब बुलबुले आने बंद हो जाएं, तो समझे हमारी मट्ठी फ्राई हो गई। देखिए गाइस, हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो भी निकल जाएगा। देखिए गाइस, कितने अच्छे से फ्राई हुई हैं। और अब हम इसमें मठियां हमने छोटे साइज की बनाई थी, और अब हम ये डाल देते हैं। देखिए गाइस, हमारी ये मट्ठी फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, अब हमारी ये लास्ट की जो हमने रह रही थी, और अब हमारी ये भी बनकर तैयार हो चुकी है। गाइस, जो ये फ्राई होने का टाइम आता है इनका, तो इनके बबल्स कम हो जाते हैं। जो इनके बुलबुले हैं वो बहुत कम आते हैं। गाइज, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए गाइज, हमारी मट्ठी इतनी अच्छी खस्ता बनकर तैयार हुई है। बरसात के मौसम में बनाएं और चाय के साथ खाएं मजे से। देखिए गाइस, हमारी मट्ठी कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको अच्छी लगे तो बनाएं। और ये भी देखिए गाइस, ये भी थोड़ी गर्म है, और मैं बनाकर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, कितनी खस्ता हमारी मट्ठी बनकर तैयार है। अगर आपको अच्छी लगे, ये मैंने 1.5 किलो मैदे से बनाई थी, और देखो कितनी सारी मट्ठी बनी है। आप भी बनाइए।